सो वंस अगेन, और एक चैट बॉक्स बार उसका सभी कोई लोग मैसेज जो भी था अपना है ना, मेरा माइक म्यूट मोड में रखिए और वीडियो को ऑफ कर दीजिए, इंक्लूडिंग लेकिन आवाज तो विकास नहीं आ रही भाई, ठीक से। एवरीवन। आवाज नहीं आ रही, ये लोग प्लीज वहीं से कुछ कीप सेटिंग योर करके पाएंगे माइक यहाँ पे ना। ऑन म्यूट मोड, प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट मोड एंड स्विच ऑफ योर वीडियोस। आप लोग वीडियो बंद कर लीजिए और माइक को म्यूट मोड में करिए। यस, सो वी स्टार्ट विनय, आप स्टार्ट करिए। तो शैल आई स्टार्ट? यस प्लीज। ओके, मैं विनय कुमार, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी दिल्ली चैप्टर की तरफ से आप सभी साथियों का, जो लोग जूम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू इस वेबिनार में शामिल हैं, का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार का शीर्षक है हाउ ह्यूमंस इवॉल्व, या मनुष्य का विकास कैसे हुआ। इस वेबिनार के स्पीकर हैं प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी एक ऑल इंडिया साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका निर्माण सन 1995 में पश्चिम बंगाल में हुआ, और यह संगठन पूरे देश भर में सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करता आ रहा है। पूरे देश भर में स्टेट साइंस चैप्टर्स के थ्रू, साइंस क्लब्स के थ्रू, साइंस कॉलेज कमिटीज के थ्रू सही वैज्ञानिक पद्धति व सही वैज्ञानिक समझ का प्रचार करता है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों के संचालन में भी ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के सदस्य अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, COVID-19 लॉकडाउन के समय भी हमारे स्टेट चैप्टर्स के द्वारा कई स्टेट्स में राहत कैंपों का संचालन किया गया है। अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अम्फान के कारण तबाही हुई है, उसमें भी ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की तरफ से रिलीफ कैंप चलाए क्या गए क्या हैं। साथ ही साथ विज्ञान के महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों पर, वैज्ञानिक की जीवनी और उपलब्धियों के ऊपर वेबिनार्स, डिस्कशन, डिबेट्स करना भी हमारे उद्देश्यों में शामिल है। इस तरह पूरे साल भर हम ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम्स करते हैं, और इसकी सूचना आपको हमारे वेबसाइट breakthroughindia.org पर मिल सकती है। अगर आप breakthroughindia.org पर जाएंगे तो हमारे प्रोग्राम्स की सूचना आपको मिल सकती है। अब मैं ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की तरफ से आप सबों को अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के उद्देश्य और इसके विचार विज्ञान सम्मत है, तो आप इसके मेंबरशिप के लिए हमारे वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। अब मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी को इनवाइट करना चाहता हूं उनके वक्तव्य के लिए। उससे पहले मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी बीटेक बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज से किए हैं, एमटेक और पीएचडी इनका आईआईटी दिल्ली से हुआ है, और 23 इयर्स एज ए फैकल्टी के रूप में आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अध्यापन का काम किया है, और 2009 से आइजर कोलकाता से जो में भौतिकी विभाग में जुड़े हुए। प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के ऑल इंडिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही इस देश भर में नोबेल कॉज को लेकर के ब्रेक थ्रू साइंस इंडिया साइंस सोसाइटी जो आंदोलन चला रही है, इसमें हम इनका भरपूर सहयोग पाते हैं। प्रोफेसर बनर्जी के आप रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल रिप्यूट इंटरनेशनल जर्नल्स में आप पाएंगे, जो रिप्यूटेड जर्नल्स है उसमें पाएंगे। ही इज ऑल्सो ए फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस एंड मेनी मोर प्रेस्टिजियस एकेडमीज। तो मैं अब प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी को इनवाइट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। एक इंस्ट्रक्शन मैं जो भूल गया देना, अपने यूट्यूब व्यूअर्स और जूम व्यूअर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको वक्तव्य के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप जूम के चैट बॉक्स में या यूट्यूब के चैट बॉक्स में अपना सवाल अपने नाम के साथ डाल दें। जब वक्तव्य खत्म होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आवर सेशन के दौरान आपका सवाल वन बाय वन लेंगे। आप अपना वीडियो ऑफ रखें और चलिए ऑडियो को म्यूट पोजिशन में रखें। देखते हैं। अब मैं प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी को इनवाइट करता हूं कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। धन्यवाद।
इनायत आपका वीडियो कर लीजिए। आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे गलत फहमियां लोगों के अंदर है। क्योंकि दुनिया में जितने सारे बिलीफ सिस्टम्स है, विश्वास है, प्रोफेसर बैनर्जी, वी कैन नॉट हियर यू। आई एम अगेन एंड अगेन बीइंग म्यूटेड समवॉट ऑटोमेटिकली। मनोन्द्र, यस, व्हाट इज योर आईडी? मैंने अपना आईडी की मल्ला रेड्डी। ओह ओके, या दैट वन यू कीप अनम्यूटेड बिकॉज़ आई एम नॉट म्यूटिंग इट, इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग म्यूट। नो, आई वाज डूइंग इट बिकॉज़ आई थॉट सम नॉइज आर कमिंग फ्रॉम देयर, बिकॉज आई एम यूजिंग माई इंस्टीट्यूट कंप्यूटर, इट इज इन द न्यू मल्ला रेड्डी, दैट्स व्हाई। प्लीज गो अहेड, लेट्स स्टार्ट। जो मैं बोल रहा था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का रॉन्ग नोशंस है, क्योंकि दुनिया में जितना बिलीफ सिस्टम्स है, सभी बिलीफ सिस्टम में कैसे आदमी का जन्म हुआ, कैसे धरती का जन्म हुआ, यह सब के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। और इसके चलते, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीफ सिस्टम में शामिल है, इसीलिए यह विश्वास चलता है। और उसमें से एक है, आदमी उसका जन्म किसी ने आदमी को बनाया है। ये जो बिलीफ है, ये सिर्फ आदमी के तरफ ही नहीं था, ये टोटल जो लिविंग वर्ल्ड है, जीव जगत है, इसके बारे में ही ये विश्वास था, किसी ने बनाया है। ये विश्वास तब से थोड़ा सा दुर्बल होने लगा जब हम फॉसिल हासिल किए, फॉसिल मिला हमको, और उससे पता चला कि ऐसे भी बहुत सारे जानवर थे जो अभी नहीं है। और इससे भी ये पता चला कि एक एवोल्यूशन के रूप से ये जीव जगत का चेंज हुआ है। और ये बात पहली बार एकदम ठोस रूप से कहे थे लामार्क बोल के, जो विज्ञानी थे, वो कहे थे। तो म्यूट करेंगे तभी तो आवाज नहीं जाएगी। आई एम अगेन बीइंग म्यूटेड, प्लीज टेक केयर, आई शुड नॉट बी म्यूटेड बाय यू। द कंप्यूटर दैट आई एम यूजिंग इज इन द नेम ऑफ मल्ला रेड्डी, प्लीज डू नॉट म्यूट दिस कंप्यूटर, ओके, म्यूट द अदर्स। जो मैं कह रहा था, और लामार्क के बाद, लामार्क जब उनका थ्योरी आया था, तब तक ठीक से पता नहीं था कि ये एवोल्यूशन होता कैसे है। लेकिन उसके करीब 50 साल बाद डार्विन ने ये इसको सामने लाए कि एवोल्यूशन होता कैसे, मतलब एक ने साबित किया, ठोस रूप से कहा कि एवोल्यूशन होता है, और डार्विन ने दिखाया कि कैसे होता है। इन ब्रीफ मैं कह के जाऊंगा कि एवोल्यूशन होता कैसे है, क्योंकि जब आदमी का एवोल्यूशन के बात आएगा, उसी एवोल्यूशन थ्योरी के आधार पर ही हमको समझना पड़ेगा। डार्विन ने दिखाए थे कि हर जो जीव है, हर स्पीशीज जो है, इसमें जितने सारे जानवर है एक स्पीशीज में, सभी में कुछ न कुछ अंतर है, सभी एक जैसा, लगभग एक जैसा दिखते हैं, लेकिन एकदम एक जैसा नहीं है। हर हिरण, हर जिराफ, हर मच्छर, ये सब एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर रहता है, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। और हर जीव उसका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कुछ है जिनको वो खाते हैं, और एनवायरनमेंट में ऐसा बहुत सारे जानवर है जो उनको खाते हैं, जैसे कि हिरण है वो घास खाते हैं, और हिरण को बाघ खाते हैं, मतलब एक
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, इसीलिए एक जीव को जीवित रहने के लिए एक कॉन्ट्रडिक्शन में रहना पड़ता है अपना जो एनवायरमेंट है उससे। और ये कॉन्ट्रडिक्शन में कोई जीव जीतते हैं, कोई कोई जीव हारते हैं, कोई कोई जीव मर जाते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, नहीं तो उनको कोई खा लेता है। जो मर जाता है वो अगले पीढ़ी को जन्म दे नहीं पाता है, और जो जिंदा रहता है वही अगले पीढ़ी को जन्म दे पाता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि कोई भी जानवर को, कोई भी जीव जो स्पीशीज है उसमें बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उसमें ज्यादातर मर जाता है रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचने के पहले ही, इसीलिए उसका आगे वाली पीढ़ी जन्म नहीं पाता। देन ही सेड कि ये जो वेरिएशन है, हर जीव एक जैसा नहीं है, उसमें वेरिएशन है, कोई थोड़ा सा लंबा है, कोई थोड़ा सा छोटा है, किसी का बॉडी रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का भागने का तरीका एक टाइप का है, किसी का भागने का तरीका दूसरा टाइप का है, इसी जो वेरिएशन है उसी में कोई कोई जीव उसी एनवायरमेंट के लिए ज्यादा एडाप्टेड है। दे गेट ए सर्वाइवल एडवांटेज, दे गेट ए लार्जर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, और नेचर उसी को चुन लेते हैं जो उसी एनवायरमेंट के लिए ज्यादा एडाप्टेड है, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के चलते जितने सारे वेरिएशन थे उनमें से कुछ को चुना जाता है क्योंकि बाकी जितने सारे वेरिएशन है वो एनवायरमेंट में एडाप्टेड कम थे, जो ज्यादा थे वही वहां पर जी पाए। डार्विन का टाइम में ये पता नहीं था कि वेरिएशन आता कैसे है, अभी पता है क्योंकि जेनेटिक्स हमको पता है, ये म्यूटेशन से आता है। ब्रीफली ये बोल के मैं आदमी का एवोल्यूशन है उसके ऊपर बढ़ता हूं। जब मैं आदमी का एवोल्यूशन के बारे में बात करूंगा इसी एवोल्यूशन थियोरी के आधार पर ही उसको समझना पड़ेगा। देखिए डार्विन का लॉजिक ये था कि अगर पूरे जीव जगत में ये एवोल्यूशनरी के जो प्रक्रिया है ये चलता है और आदमी भी एक जीव ही है तो आदमी के अंदर ही आदमी भी एक एवोल्यूशन का प्रोडक्ट ही होनी चाहिए। लेकिन तब उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, मतलब आदमी आने से पहले क्या क्या धाप था, स्तर थे, इसके बारे में इनका कोई जानकारी नहीं था। लेकिन वो फिर भी एम्फेटिकली कहे, एक किताब निकला डार्विन का जो मेन किताब था 1859 में निकला था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बोल के, उसके 12 साल बाद उन्होंने एक फिर किताब लिखा जिसका नाम द डिसेंट ऑफ मैन, और जिसमें उन्होंने दिखाया कि आदमी भी उसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के चलते ही आया होगा। लेकिन उनके पास ठोस कोई सबूत नहीं था, जस्ट ए साइंटिफिक आर्गूमेंट था। सबूत के लिए क्या जरूरी था? जरूरी था कि अगर एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आदमी आया हो तो कहां से यह शुरुआत हुआ है और कहां पर यह खत्म हुआ है, अभी क्या है वो तो हम जानते हैं लेकिन कहां से शुरुआत है ये, इसको आइडेंटिफाई करना, और इसके बीच में जितने सारे स्पीशीज थे जो अभी एक्सटिंक्ट होगा लेकिन ये जितने सारे स्पीशीज थे इनको मिलना जरूरी है, और तब उनके हाथ में ऐसा कुछ सबूत नहीं था। लेकिन फिर भी उनके टाइम में जो बायोलॉजिस्ट थे दे वर कन्विंस्ड दैट ही इज राइट, और उन्होंने उनसे में एक था अर्नस्ट हेकल बोल के, जिन्होंने कहा कि बीच में कोई मिसिंग लिंक जरूर होगा। मिसिंग लिंक मतलब जो जानवर है और वो आदमी के बीच में जो स्तर थे उसी स्तर में जितने सारे जीव थे इसका कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, ढूंढो उसको। इतना पावरफुल उनका आर्गुमेंट था कि उसके बाद बहुत सारे लोग ढूंढने के लिए निकले कि ये मिसिंग लिंक हमको ढूंढ के निकालना है, और ढूंढने का कोशिश करते हुए जैसे कि किसी को कुछ हड्डी मिला नियंडर वैली में जर्मनी का, किसी का कुछ हड्डी का टुकड़ा
जबड़े का टुकड़ा या टोपी का टुकड़ा मिला क्रोमानियो बोल के एक केव था फ्रांस में वहीं पर। कुछ ऐसे टुकड़े बहुत जगह से मिलने लगे और उनका अरुण छेगल का एक स्टूडेंट था दुबोआ बोल के यूजिन दुबोआ, वो था हॉलैंड के। इतना कॉन्विंस थे वो कि वो अपना देश का जो आर्म्ड फोर्सेस उसमें दाखिला लिए और हॉलैंड का तब एक कॉलोनी था इंडोनेशिया में वहां पर चले गए और वहां जाके जो जावा जो जो आइलैंड है वहीं पर ढूंढते हुए उनका कुछ जबड़े का टुकड़ा हाथ का हड्डी ऐसा कुछ मिला, जहां से पता चला कि ये डेफिनेटली आज का जो ऑर्गेनिज्म्स है उसमें नहीं है, दूसरा कुछ है। ऐसे बहुत सारे सबूत मिलने लगे, चाइना में भी मिला, पिकिंग के पास आजकल बीजिंग कहा जाता है, बीजिंग के पास एक एक गुफा थे जहां पर जाके लोगों को मिला कुछ ऐसे हड्डियां। उनमें से एक वैज्ञानिक थे, उनको पता चला कि ये जरूर कुछ ये मिसिंग लिंक होगा, इसीलिए वो एकदम पेटी में भर के उसको भेज दिए यूरोप जाने के लिए। लेकिन उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, इसलिए वो जहाज पहुंच नहीं पाया, उसको खो गया। लेकिन भेजने से पहले वो खुद ही प्लास्टर का कास्टिंग बना लिए थे, वो प्लास्टर का कास्टिंग अभी भी है और उसी से पता चलता है कि वो भी एक मिसिंग लिंक है। इसलिए मैं बताता हूं कि जितने सारे मिसिंग लिंक था उसमें ज्यादातर हमारा हाथ में अभी आ गया और उसके चलते इसका जो प्रक्रिया है, जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसके बारे में ठोस जानकारी अभी हमारा है। लेकिन अभी आते हैं ये प्रक्रिया जो है इसके बारे में, इसका शुरुआत कब से करें। देखिए आप तो बंदर देखते हैं, ये एक गलत फहमी है कि बंदर से आदमी आया, बंदर से आदमी नहीं आया। बंदर, शिंपांजी, ओरांगउटान, गोरिला, हनुमान, जितने सारे प्राइमेट्स है, ये सभी का शुरुआत एक जगह से था, ब्रांचिंग होके जैसे इवोल्यूशन हुआ उसी का एक ब्रांच का एंड में आदमी आया। इसलिए बंदर से आदमी आया ये ठीक नहीं है। बंदर के भी एक प्रीडिसेसर थे और आदमी का भी ऐसा। वैसे ही एक प्राइमेट किस जमाने में होता था जहां से हम हमारा कहानी शुरू करें। प्राइमेट मतलब बंदर जैसा एक जानवर। ये जो धरती का जो टेम्परेचर, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी आइस एज आता है फिर टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा चलता रहा है। करीब 1 करोड़ साल पहले ऐसा एक आइस एज का शुरू हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है। लास्ट आइस एज का खत्म हुआ करीब 25,000 साल पहले, सिर्फ 25,000 साल। तो 1 करोड़ साल पहले ऐसा एक आइस एज शुरू हुआ था, उसके चलते थोड़ा सा ठंडा हो गया था। ठंडा होने से क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ जो होता है वो मर जाता है, मर के तृण भूमि जिसको कहा जाता है, मतलब ग्रास लैंड, वो बन जाता है। और ग्रास लैंड बनने के चलते जो जो स्पीशीज तब पेड़ों में थे वो धरती में चलने मजबूर हो गए। धरती में चलना और वहीं से खाना भी जुगाड़ करना, ये आसान काम नहीं था उनके लिए क्योंकि वो दूसरे टाइप का लाइफ में अभ्यस्त थे। लेकिन उसी में से जो लोग थोड़ा सा चल पाते थे, थोड़ा सा खुले धरती से भी खाना ले सकते थे, ढूंढ के ले सकते थे, दे वर नेचुरली सिलेक्टेड। और ये नेचुरल सिलेक्शन के चलते एक नया लीनिएज स्टार्ट हुआ जो थोड़ा सा खड़ा होकर चल सकते थे। और नीचे आने के चलते पेड़ में हाथ का जो काम होता है, नीचे आने के चलते हाथ का काम दूसरा टाइप का हो जाता है, पकड़ने के
पकड़ने के लिए वो एक ही काम नहीं होता है, जब पकड़ना पड़ता है तब हाथ का चेहरा था इस टाइप का, मतलब इसका ये जो जो उंगली है एक ही साइड में था, लेकिन जब जब कुछ चीजों को पकड़ना पड़ता है तब ऐसा करना पड़ता है, और उसके लिए ये जो उंगली है इसका पोजिशन धीरे धीरे उल्टा साइड में आने लगा। उसका मतलब जो लोगों में ये स्पेशलिटी था वही नेचुरली सिलेक्टेड हुए, और जब थोड़ा सा ऐसा खड़ा होने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि कोशिश कर रहे हैं इसीलिए खड़ा हो पाए, उसमें से जो वेरिएशन था उसमें से कोई कोई खड़ा हो पाता था थोड़ा सा, कोई कोई खड़ा हो नहीं पाता था, जो खड़ा हो पाता था वो दूर देख पाता था, इसीलिए कोई खतरा आए वो भी देख पाता था, उसी के चलते उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ज्यादा था, इसके चलते नेचुरली सिलेक्टेड हुए। तो इसके चलते देखा गया कि धीरे धीरे एक नया किस्म का जानवर का जन्म हुआ जिसका बहुत सारे हड्डियां मिला है, कुछ हड्डियां इवन हमारे देश में भी मिला है, शिवालिक पहाड़ में जो मिला है उसको शिवा पिथेकस कहा जाता है, एक रामा पिथेकस एक शिवा पिथेकस, वैसे पिथेकांथ्रोपस एक एक बड़ा स्पीशीज है वो मिला था, उसका उसका चेहरा बंदर जैसा ही था लेकिन थोड़ा सा सीधा खड़े होने का एबिलिटी था, हाथ का पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा था, और एक इम्पोर्टेंट चीज हो रहा था, देखिएगा कि बाकी जानवर में आंख दो साइड में होता है इसलिए इसका इसका फील्ड ऑफ व्यू इस तरह का होता है, लेकिन जो आंख सामने आ जाने से उसका फील्ड ऑफ व्यू ओवरलैप हो जाता है, और ओवरलैप होने से बाइनोकुलर विजन दैट मींस डिस्टेंस मेजर करने का एबिलिटी आ जाता है। ये जो वो प्राइमेट में आ गया था, इसीलिए जो देखने का जो विजुअल कॉर्टेक्स मतलब खोपड़ी के अंदर जो जो क्या कहते हैं देखने के लिए ब्रेन का जो जगह का जरूरी है वो भी डेवलप हो रहा था। ये सब तभी हुआ था जो जब करीब 1 करोड़ साल पहले तब आदमी तब तक नहीं आया था। हमारा जो 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 जितने सारे जानवर है जैसे कि कुत्ते है बिल्ली है उसमें देखेंगे कि जो पैर है उसका एंगल इस तरफ है, लेकिन आदमी या जितने सारे बंदर है उसका पैर का चेहरा इस तरफ है, राइट। ये जो पैर का चेहरा ये भी एक चेंज होके वो चेहरा लिया जिसके चलते फिर बाद में खड़ा होना संभव हुआ, इसीलिए वो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ये सब उस टाइम का लोग है। इसी के चलते करीब 50 लाख साल पहले उसका सबूत हमको मिलता है कि पहली बार जिसको होमिनिड कहा जाता, होमिनिड मतलब तब तक आदमी नहीं है, होमिनिड मतलब आदमी आने के पहले एक जो जो स्टेज था जिसको होमिनिड कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है जो बहुत जगह में फैला हुआ था, अफ्रीका में थे बहुत सारे जगह में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का चिन्ह मिला है, वो लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस और भी थोड़ा खड़े होकर चल सकते थे, मतलब इसका इरेक्ट गेट आना शुरू हो गया था, और खड़े होने से क्या होता है कि जब हमारे आप ऐसे सोचिए कि कोई जानवर है जिसका जो जो मेरुदंड मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर है वो शायद मानिए कि इस तरह से है, ये उसका उसका हेड है और उसका चेहरा इस टाइप का है, मतलब ये जो हेड ये कैंटिलीवर जैसा है थोड़ा सा नीचे वो काम करता है, इसीलिए वो टाइप का जानवर में जैसे कुत्ते में बिल्ली में है बाघ में है भालू में भी है, मतलब हेड ये अगर भारी हो जाए तब नीचे के वो इसको खींचेगा, और जब ये खड़ा हो गया तब ये भारी होने से भी ये सपोर्ट हो सकता है। This started during the
टाइम ऑफ दिस हुमिनिड पीरियड जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। इसीलिए तब से हम देखते हैं कि जो जो खोपड़ी इसका साइज बढ़ता जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो ब्रेन साइज था करीब 600 सीसी का था। दूसरा चेंज हुआ कि उनका जो दांत का जो चेहरा था उसमें ये जो टीथ होता है बाकी जितने सारे जानवर उसमें ये बड़ा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखा गया कि ये साइज छोटा होके करीब बाकी दांतों का साइज में आ गया। दूसरे जितने सारे प्राइमेट देखेंगे उसमें माथे के ऊपर एक ऐसा सेगिटल क्रेस्ट होता है, ऊपर एक ऊंचा सा होता है, वो भी देखा गया कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस में धीरे धीरे ये और नहीं रहा, हमारा खोपड़ी जैसा है उस टाइप का खोपड़ी का चेहरा आ गया। ये चेंज हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, मतलब तीन चीज देखने लायक। एक है वो थोड़ा सा खड़ा होकर चल पाता था और उसका ब्रेन साइज बढ़ता था, उसका विजन बेटर हुआ। और आप अगर पूछेंगे कि इसका सबूत क्या है, बहुत सारे चिन्ह हमको मिला है, बहुत सारे फॉसिल हमको मिला है जिसमें से इसका कोई सब स्पीशीज, बहुत सारे सब स्पीशीज आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन अफ्रीकानस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसियाई, इस टाइप का बहुत सारे स्पीशीज है जिसमें से जितना सारे कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया वो आ गया। लेकिन करीब 20 लाख साल पहले, करीब 22 लाख से 16 लाख के बीच में कभी होगा, फिर एक बार ये जो आइस एज का स्टार्ट हुआ और आइस एज का स्टार्ट होके होने से जितने सारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो लोग फिर भी एकदम खुले मैदान में उसको रहना पड़ रहा था, खुले मैदान में बाकी जितने सारे जानवर है उसके साथ लड़ना पड़ रहा था। और इनका जो डाइट है, क्योंकि फल या पेड़ पौधे ये मिल नहीं रहा था, इसके चलते वो लोग मांसाहारी बन गए, इसीलिए मांस को शिकार करना पड़ता था, दे हैड टू हंट। और जो जानवर थे जिसको हंट करते थे वो बड़े थे, इसलिए बड़े जानवर का शिकार करने के लिए चैलेंज उनके सामने आया। और ये चैलेंज को मुकाबला करते हुए देखा गया कि बहुत सारे ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये एडाप्ट कर नहीं पाया। लेकिन उसमें से कुछ एक स्पीशीज में ऐसा चेंज आया, सभी चेंज आता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, कई म्यूटेशंस आया जिसके चलते ये वो सिचुएशन में भी वो एडाप्ट कर पाए। और उसके चलते करीब 20 लाख साल पहले एक नया स्पीशीज का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं होमो हैबिलिस। इस पहली बार मैंने इस वर्ड को इस्तेमाल किया होमो, इसके पहले पिथेकंथ्रोपस बोल रहे थे, इसके पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोल रहे थे, होमो नहीं बोल रहे थे, होमिनेट बोले थे लेकिन होमो नहीं बोलते। अंतर क्या है? होमो मतलब आदमी, आदमी भी एक होमो है, होमो सेपियंस सेपियंस आदमी है, होमो सेपियंस सेपियंस। ये होमो ये जो जीनस है इसका पहली बार जन्म हुआ और इसका जो पहला चिन्ह हमको मिलता है जो स्पीशीज में जिसको कहा जाता है होमो हैबिलिस। होमो क्यों? होमो होने के लिए मतलब आदमी जैसा होने के लिए कुछ स्पेशलिटी की जरूरत है। एक स्पेशलिटी है कि टूल मेकिंग, मतलब वो लोग टूल बना सकते थे, ऐसा साधन जिसको लेके वो शिकार कर सकते थे, ऐसा साधन जिसको यूज करके, जिसको इस्तेमाल करके वो जो शिकार किया हुआ जो जानवर है उसको फाड़ के खा सकते थे, मतलब इस तरह का कुछ चीजें वो बनाते थे, बना पाते थे पत्थर से। टूल मेकिंग इज ए सिग्नेचर
और दूसरा है, देखा गया है कि उनका जो खोपड़ी का हड्डी मिला है उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किया गया, देखा गया कि उसमें कुछ क्रीजेस है, फांज है, उसके चलते पता चलता है कि हमारा जो जो खोपड़ी के अंदर जिस किस जगह में ऐसा क्रीज है, हम जो बात करते हैं बोलते हैं उसके लिए, बोलने के लिए जो ब्रेन का जो जगह का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है ब्रोकास एरिया। ये ब्रोकास एरिया जहां पर रहता है वहां पर ये खोपड़ी का जो जो क्या कहते हैं स्कल में वो ऐसा क्रीज होता है। और दूसरा एक जगह है जिसको वेनिक्स एरिया कहा जाता है, उस एरिया में भी ऐसा क्रीज होता है। उनका जो खोपड़ी है, खोपड़ी का जो हड्डी मिला है उससे जो पता चलता है कि वो भी वहां भी ऐसा क्रीज दिखता है। ये दिस इज सिग्नेचर ऑफ देयर बीइंग एबल टू स्पीक, वो लोग बोल पाते थे, इसके मतलब उनका भाषा आ रहा था। अभी थोड़ा सा हमको दो चीजों का अंतर समझना है। देखिए पक्षियां भी बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुत्ते भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बाघ भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब साउंड प्रोड्यूस जब करते हैं उसका उद्देश्य यह होता है कि दूसरे किसी को कोई सिग्नल भेजना, कोई खतरा आ रहा है उसका सिग्नल भेजना, या आनंद हुआ है, खाना मिला है उसका एक सिग्नल भेजना, या किसने पीटा है कुत्ते में काई 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 करता है वो भी एक सिग्नल है, बाकी को ये सिग्नल दिया जाता है। मतलब ये सिग्नल बहुत सारे जानवर ये करते हैं, लेकिन ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन सा सिग्नल, कौन सा आवाज ये करेंगे, दैट इज जेनेटिकली गवर्न्ड। वो चेंज कर नहीं कर सकते, वो सीख भी नहीं सकते। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, एक पक्षी का एक टाइम में मेटिंग कॉल एक टाइप का होता है, खुशी में एक टाइप का कॉल होता है, जब बहुत सारा खाना मिलता है तब एक टाइप का कॉल होता है, लेकिन वो कौन सा स्थिति में उनका कॉल कैसा होगा ये एकदम जेनेटिकली गवर्न है। और वो भाषा नहीं है। भाषा क्या है? भाषा है जब वो जो वस्तु है उसका कोई संबंध नहीं है। हाथी बोल के आप जिसको समझते हैं उसके साथ हा और थी का कोई संबंध नहीं है। ये हाथी बोल के हम जो समझते हैं वो हाथी एलिफेंट, देखिए हम हाथी बोल के वही एक ही चीज समझते हैं, अंग्रेज लोग एलिफेंट बोल के यही एक ही चीज समझते हैं। मतलब एक ही चीज दो डिफरेंट वर्ड से भी सिग्निफाइड हो सकता है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द लैंग्वेज। इसीलिए लैंग्वेज सीखना पड़ता, लैंग्वेज इनेट नहीं है, लैंग्वेज सीखना पड़ता है। और कोई भी आदमी कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, कोई भी आदमी कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है मातृभाषा के रूप से, अगर एकदम छोटे उम्र से वो उस लैंग्वेज एनवायरमेंट में रहे तो। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द लैंग्वेज। इसीलिए बाकी जितने सारे जानवर है उनमें कम्युनिकेशन है लेकिन वो भाषा नहीं। भाषा तब से आना शुरू हुआ जब से होमो आया। मतलब होमो का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, एक है भाषा, दूसरा है कम्युनिकेशन। मतलब होमो हैबिलिस में ये दोनों होने का चिन्ह मिलता है। और इसके बाद जितना सारा एवोल्यूशन हुआ है ये दोनों चीज का ही मेनली एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद जितने सारे स्पीशीज के बात हम करेंगे वो लोग ये दो चीज बेटर कर सकते हैं। और देखा गया कि जो जितने सारे स्पीशीज आए इसके बाद उसमें कम्युनिकेशन का एबिलिटी बेटर है, क्या क्या आइडिया हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो भी नेचुरली सिलेक्टेड होते थे। क्यों? क्योंकि जैसे बताया वो लोग तब मांसाहारी हो गए थे। मांसाहारी मतलब शिकार करना पड़ता था, और शिकार जो करते थे उसका जो ताकत ये एक आदमी का ताकत से बहुत होना जाता था, शिकार कैसे करेंगे। और वो लोग एकदम खुले मैदान में थे। खुले मैदान में मतलब वहां पर सिंह होते थे, बाघ होते थे, वो लोग आदमी से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए तभी वो शिकार कर पाएंगे, तभी वो बाकी
जो ताकतवर जनवा है उनसे उससे बच पाएंगे जब वो लोग इकट्ठे रहे। और ये इकट्ठे होना जैसे कि चींटियां इकट्ठे होते हैं, जैसे कि बंदर इकट्ठे घूमते हैं, जैसे कि सिंह इकट्ठे घूमते हैं, एक झुंड होता है जो एक साथ शिकार करते हैं, उससे इंटेलिजेंस डिफरेंट है, क्योंकि इनका एक साथ होने का माध्यम क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है, आइडिया है। और आइडिया का स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी यह है कि एक पीढ़ी अपना एक्सपीरियंस से, अपना तजुर्बे से जो सीखता है, दैट एक्सपीरियंस गोज इन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बाकी नेक्स्ट जनरेशन को एक्सपीरियंस करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये मुंह का बातों से हम इसको समझा सकते हैं। इस टाइप से जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको कहा जाता है सोसाइटी। मतलब इसके बाद से, होमो के बाद से जितने सारे जानवर के बात हम करेंगे, सभी में इस सोसाइटी डेवलप कर रहा है। इसके चलते अराउंड 15 लाख साल पहले हम एक स्पीशीज को देखते हैं जिसको होमो इरेक्टस कहा जाता है। इरेक्टस मतलब दे वर नाउ एबल टू स्टैंड एब्सोल्युटली इरेक्ट, इरेक्ट। और इरेक्ट होने के चलते उनका जो सर था उसका भी और बड़ा होने का परिस्थिति आ गया। उसके पहले लोग थोड़ा सा ऐसे हिल के नकल वॉकिंग करके चलते थे, ये कोई जरूरत नहीं था, अभी होमो इरेक्टस आ गया, इरेक्ट। और होमो इरेक्टस में ये जितने सारे होमो के बारे में बात किया, होमो के स्पेशलिटी के बारे में बात किया, ये तो है ही, मतलब वो बोल पाते थे, मतलब वो टूल्स बना पाते थे, मतलब वो उसका एक समाज था, सोसाइटी था। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुआ होमो इरेक्टस में, दैट इज दे कुड टेम फायर, आग को बश में लाए। और जब आग कैसे हुआ, कैसे वो कर पाए, ये मालूम नहीं किसी को। हो सकता है कि आग जंगल में लगता ही था, और आग लगने से उसका एक टुकड़ा किसी ने लाए, फिर दूसरा काट को जला के उसको कंटिन्यू किए, हो सकता है इस टाइप का। हो सकता है कि जो जब ये पत्थर से बनाते थे टूल्स, तब देखा कि कई कई पत्थर गर्म होके जल जाता है, जलने से वहां से आग शुरू हो सकता है, हो सकता है। कैसे शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि होमो इरेक्टस आग जला सकता है, क्योंकि जहां पर उनको फॉसिल मिला है वहां पर जला हुआ कुछ चीजों में मिला है, और जला हुआ जो चीजें मिला है उसके चलते पता चलता है कि वो रोस्ट करके खाते, मांस वैसे नहीं खाते थे, रोस्ट करके खाते। और रोस्ट करके खाने से एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो नरम हो जाता है, और नरम होने से हमको जो जब हम मांस खाएंगे तब जो दांत का जरूरत होता है वो इतना तगड़ा जबड़ा, इतना तगड़ा दांत इसका जरूरत नहीं था, और जरूरत ना होने से इसका छोटा होने का एक वास्तव परिस्थिति आ गया। और उसके चलते ये जब छोटा हुआ तब मुंह के अंदर जो स्पेस है, जो स्पेस के चलते हमारा जो टंग मूव करता है, ये मूव करने का जो जगह, ये भी मिला है, मिला था। मतलब क्या क्या साउंड वो निकल पाएगा, इसका जो वैरायटी, इसका वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़ गया। मतलब जो बोलने का तरीका और बोलने का ढंग, बोलने का जो क्या कहते हैं विभिन्नता, ये भी बहुत बढ़ गया होमो इरेक्टस में। इसके चलते तब से मैं बोलूंगा कि एक नया टाइप का एवोल्यूशन शुरू हुआ, जो टाइप का एवोल्यूशन इसके पहले नहीं था। इसके पहले इट इज ओनली बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, स्ट्रिक्टली गाइडेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जितने सारे एक स्पीशीज में थे उसमें वेरिएशन थे, उसमें से कुछों को नेचुरली सिलेक्ट होता था, वही अगले पीढ़ी का जन्म दे पाता था, और उसी के चलते ही अगले पीढ़ी का चरित्र थोड़ा सा पिछले दिनों का जो स्पीशीज थे उसे थोड़ा सा डिफरेंट होता था, इसीलिए धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता था। लेकिन अब से
एक नया एलिमेंट आ गया है एवोल्यूशन में, जिसको कहा जाता है बायो कल्चरल एवोल्यूशन। कल्चरल मतलब जहां पर ओनली बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, जहां पर कल्चर है। ये कल्चर होता क्या है, कैसा है? जैसे बताया कि भाषा के चलते एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसके मतलब एक का जो तजुर्बा है वो तजुर्बे को एक्सपीरियंस ना करते हुए भी दूसरे का ये ज्ञान आ सकता है। मतलब धीरे धीरे ये जो जो ह्यूमन काइंड इसका ज्ञान बढ़ता है, इसका एक सोसाइटी होता है, ये सोसाइटी का एक कलेक्टिव नॉलेज होता है, ये सभी एक कल्चरल एवोल्यूशन का हिस्सा है। और इसके चलते देखा गया, इसके बाद जितने सारे स्पीशीज आए उसमें से जो उसी जंगल का परिस्थिति में जीने के लिए फिट नहीं भी थे वो भी जिंदा रहे। जैसे कि इसके बाद जो होमो इरेक्टस के बाद जो आया उसको होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस मतलब हम नहीं, होमो सेपियंस का भी एक सब स्पीशीज है। होमो सेपियंस आया, होमो सेपियंस मतलब दोज हु कैन थिंक, और थिंकिंग का माध्यम है भाषा, आ गया था तब। होमो सेपियंस मतलब ऐसा स्पीशीज दोज हु कैन थिंक, जो सोच सकता है, और सोच के चलते सोसाइटी बन रहा था, ये सोच के चलते कल्चर बन रहा था, और ये सोच के चलते उनका एवोल्यूशन दूसरे टाइप का एवोल्यूशन शुरू हो गया, उसी एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं रहा। जैसे कि होमो सेपियंस के में जो पहला चिन्ह मिलता है उसका नाम है होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस। तो नियंडर वैली में मिला था, नियंडरथल मैन कहा जाता है। ये नियंडरथल मैन करीब 2 लाख साल से करीब 35,000 ईयर्स तक, मतलब आज से 35,000 ईयर्स पहले तक वो लोग थे। That was a species that lived after that became extinct. So, ये नियंडरथलेंसिस में देखा गया कि वो लोग आग जला पाते थे, वो लोग गुफे में रह सकते थे, वो लोग छोटा छोटा घर बना सकते थे, वो लोग एक जगह में बहुत सारे लोग होते थे, और जब कोई मर जाता था तो मरने के बाद उसको एक जगह में दफन किया जाता था, और जहां पर दफन किया जाता था उसके पास कुछ साधन रखते थे वो लोग, कुछ टूल्स। जैसे कि वो बाद में जब जरूरत होगा ये मिलेगा उनको, ऐसा। ये डेफिनेटली दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग। देखा गया कि उसी उनका जो जो सोसाइटी में उसमें ऐसा कुछ हड्डी मिला है, जो एक आदमी का जिसका रिब बोन ब्रोकन है, लेकिन ये ब्रोकन था और टूटा था उनका जब देहांत हुआ उसके करीब 20 साल पहले। मतलब 20 साल वो ऐसे टूटा हुआ शरीर लेके ही जिए थे, जो जंगल के नॉर्मल परिस्थिति में संभव नहीं था। कैसे जिए थे? क्योंकि ये सोसाइटी को बाकी लोग उनका जिंदा रखे थे, बाकी लोग ये खाना सप्लाई किए थे। इसके मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में यह सीमा सीमित नहीं रहा, यह बायो कल्चरल एवोल्यूशन। हमने जैसे बताया कि खोपड़ी का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब ये पिथेकस जैसा था वो 300-400 सीसी था, इसके बाद जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया तब अबाउट 600 सीसी था, जब होमो इरेक्टस आया तब करीब 900 सीसी था, लेकिन जब होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस आया उनका एवरेज था अबाउट 1500 सीसी। 1500 सीसी इज अबाउट आवर साइज, आवर ब्रेन साइज। इसीलिए द होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्पीशीज, और वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे कोल्ड रीजन में, इसलिए वो फैल ज्यादा गए थे यूरोप का जो जो हिस्सा है वहीं पर। लेकिन करीब 50,000 साल पहले एक नया
होमो सेपियन स्पीशीज का जन्म हुआ। आज हम जानते हैं यह जन्म हुआ था अफ्रीका में, जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, हम जो है जन्म हुआ था अफ्रीका में और उसका सबूत है, इसलिए लोग मानते हैं अफ्रीका में जन्म हुआ था। और अफ्रीका से वो लोग निकल के बहुत जगह फैल गए, यूरोप में फैल गए, बहुत सारे जगह में फैल गए। यूरोप में जो क्रोमैनियो बोल के जो जगह है फ्रांस में, वहां पर जितने जो हड्डी मिला है वो उन्हीं का, मतलब ये मॉडर्न मैन थे। ये मॉडर्न मैन जब से डेवलप हुआ, बायोलॉजिकली मॉडर्न मैन, मॉडर्न फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो है जो ब्रेन, ब्रेन साइज, इरेक्ट गेट, हाथ का जो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, आंखों का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और आंख से हमारा जो जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसका जो कनेक्शन, और बोलने का एबिलिटी, बोलने के लिए जो जो जबड़े का जो जो चेहरा होना चाहिए, और हमारा जो मुंह का जो अंदर का जो चेहरा होना चाहिए, ये सब आ गया था। हमारा जो जो सेरिब्रल क्या कहते हैं मेरुदंड, उसका जो एस शेप है वो भी आ गया था। मतलब दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो सेपियंस। उसी में से एक होमो सेपियंस सेपियंस का जन्म हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि नियंडरटलेंसिस से ही होमो सेपियंस सेपियंस का जन्म हुआ, दूसरा कोई स्पीशीज से भी हो सकता है, दूसरा कोई होमो स्पीशीज से हो सकता है, एंड लगता तो है ऐसा ही। जब ये होमो सेपियंस सेपियंस का जन्म हुआ, तब धीरे धीरे वो फैल गए बहुत जगह में, और बहुत बहुत दिन तक ये होमो सेपियंस सेपियंस और होमो सेपियंस नियंडरटलेंसिस एक साथ ये दुनिया में थे। और देखा गया कि धीरे धीरे होमो सेपियंस नियंडरटलेंसिस एक्सटिंक्ट हो। इसका दो मायने हो सकता है, दो कारण हो सकता है। एक कि होमो सेपियंस सेपियंस के साथ लड़ाई झगड़े में वो लोग हार गए इसलिए मर गए, और दूसरा हो सकता है कि इंटीग्रेटेड हो गए। इसमें से क्या हुआ है लगता है तो दो ही हुआ है, लेकिन आज हमको पता चलता है क्योंकि हम जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं कि ज्यादातर मिक्सिंग नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था। इसीलिए हम जितने सारे आदमी हैं सभी में करीब 2-3% नियरनटल जीन्स है। एकदम शुरू में ये मिक्सचर हुआ था और तब से जितने सारे आदमी हुए हैं सभी में है। और ये जो जो कहानी है उसमें से एक वेरी रिसेंट एक ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट है ये 2012 साल में, ज्यादा दिन पहले नहीं, साइबेरिया में एक केव है जिसको डेनिसोवा केव कहा जाता है, उसके अंदर किसी का जो छोटा उंगली है उसका एक हिस्सा मिला, और एनालिसिस करके पता चला कि एक आदमी है और बहुत दिन पहले का आदमी है। लेकिन इसका एडवांटेज हुआ कि वो हिस्से से डीएनए को निकल सकते, निकलना संभव हुआ। तब तक आदमी का डीएनए एनालिसिस हो गया है, नियंडरटल डीएनए का भी एनालिसिस हो गया है, और इससे पता चला कि वो जो है वो आदमी भी नहीं था, होमो सेपियंस सेपियंस नहीं था, होमो सेपियंस नियंडरटलेंसिस भी नहीं था, उसका एक नया होमो सेपियंस स्पीशीज कहा जाता है डेनिसोवन। मतलब होमो सेपियंस नियंडरटलेंसिस, होमो सेपियंस डेनिसोवन, होमो सेपियंस सेपियंस, ये तीनों ही एक ही साथ दुनिया में थे। आज का जो जो जेनेटिक एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि और भी शायद होमो सेपियंस स्पीशीज थे, लेकिन बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए, एक ही बच गया, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस, अस, हम लोग। एक बात हमको समझना पड़ेगा, मतलब हमारे अंदर ये नियंडरटल जीन्स भी है, थोड़ा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि दो स्पीशीज का क्रॉस होके हम आए, ऐसा नहीं बात। हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस जो अफ्रीका में पहली बार जन्म हुआ था उसी का ही प्रोजेनी है, लेकिन इस बीच में कभी नियंडरटल के साथ मिक्सिंग हुआ था, डेनिसोवन के साथ भी हुआ, इसीलिए हमारे सभी के अंदर उनका जीन थोड़ा बहुत है।
लेकिन एक बात हमको समझना पड़ेगा इस बात कि हम आज दुनिया में जितने सारे आदमी को देखते हैं उसमें देखने में बहुत अंतर होता है। कोई कोई हमारे जैसा ब्राउन है, कोई कोई यूरोपियन जैसा सफेद है, कोई कोई चीनी जैसा थोड़ा सा पीले है, कोई कोई अफ्रीकन जैसा काले है, मतलब अलग सा दिखते हैं। लेकिन दिखने में जितना ही अलग क्यों ना हो, ये सभी हैं एक ही स्पीशीज, होमो सेपियंस सेपियंस, और हम सभी एक ही ओरिजिन से रेडिएट होके डिफरेंट जगह में पहुंचे। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कोई अंतर नहीं। सिर्फ दिखने में चमड़े का जो जो रंग है उसका थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन और कोई डिफरेंस नहीं। तो करीब हमारा जो होमो सेपियंस सेपियंस, इसका कब से शुरू हुआ बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि एनाटोमिकली मॉडर्न मैन करीब 100,000 साल पहले शुरू हुआ था, और बिहेवियरली मॉडर्न मैन मतलब जो आज का जैसा टूल बना सकता है, बोल सकता है, उसको भाषा है और उसका समाज गठन है, जिसका जो बिहेवियरली मॉडर्न मैन जो चिंता कर सकते हैं और चिंता को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक पीढ़ी का जो चिंता है वो अगले पीढ़ी भाषा के तरफ से, बोली के तरफ से जान जाते हैं, उसका नए से तजुर्बा करने की जरूरत नहीं। इस टाइप का जो मॉडर्न बिहेवियरली मॉडर्न मैन, ये करीब 40,000 साल पहले आया। और जैसे बताया कि होमो सेपियंस सेपियंस और होमो सेपियंस नियंडरटलेंसिस बहुत दिन एक साथ रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर बिगर ग्रेटर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन वी कुड विन द रेस। अल्टीमेटली द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी इज वन स्पीशीज, होमो सेपियंस। मैं अभी इतना ही बोल के अभी के लिए खत्म करूंगा। जो बाद में कोई बात आया तो प्रश्न जब आएगा उसी के उत्तर के रूप से बाकी बात करेंगे। दादा, कैन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन आवर सेशन नाउ? जरूर। ओके, चलिए मैं सारे पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा जो जूम में हैं वो अपना वीडियो ऑन करें, लेकिन ऑडियो को म्यूट मोड में रखें, और कोई भी क्वेश्चन जो ये जो आज की चर्चा का विषय रहा उसी विषय के साथ मिलते हुए आए ऐसे क्वेश्चन रखिए, बट एक के बाद। आप हैंड्स अप करिए, यहाँ का एक ऑप्शन है हैंड्स ऐसे करके दिखाने का, जैसे कि पता लगे आप प्रश्न करना चाहते हो, तो उसके बाद हम लोग ही आपको आपका नाम बुला के प्रश्न इनवाइट करेंगे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, लेकिन माइक को म्यूट मोड पे रखिए। वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई प्रश्न चैट बॉक्स में अगर आया हो तो देख लो। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस YouTube पे आए हैं, YouTube व्यूअर्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने उनके तरफ से जो आया है उसको रख रहा हूं। एक क्वेश्चन है भुवनेश्वर परासर की तरफ से, सर आर ह्यूमंस स्टिल इवॉल्विंग, इफ यस देन हाउ? पहली बात, यस ह्यूमंस आर इवॉल्विंग, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, बायो कल्चरल एवोल्यूशन। इसके मतलब यही है कि इसके पहले क्या होता था, कोई अगर जंगल का एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रह पाता था, मतलब वो खाना जुगाड़ कर नहीं पाते थे या किसी ने उसको खा जाते थे, वो मर जाते, और जो मर जाता था उसका उसको या तो बहुत ठंडा है जुकाम में मर गए, बहुत गर्म है गर्मी में मर गए, मतलब जैसा फिजिकल एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसके साथ एडजस्ट कर ना पाने के चलते मर जाते। और मर जाने से उसका आगे वाली पीढ़ी जन्म नहीं लेता था,
इसके चलते बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता था एक टाइम में, मतलब जो जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसी होता, लेकिन आदमी में हम तो घर बनाते, इसलिए बाहर ठंडे भी हो बर्फ क्यों ना हो हम जिंदा रहते। हम खाना इतने सारे वैरायटी कर लिए हैं कि कोई भी स्थिति में हम खाना जुगाड़ कर सकते हैं। हम इसलिए जो वैगरीज ऑफ नेचर है, नेचर बदल जाने से भी हम मर नहीं जाते, हम जिंदा रह सकते हैं। और सोसाइटी हमको जिंदा रखता है। कोई अगर किसी का पैर खराब हो गया हो या हाथ खराब हो गया हो, जंगल का एटमोसफेयर मर जाएगा, लेकिन हमारे सोसाइटी में जिंदा रहता है। कैसे? क्योंकि सोसाइटी उनको जिंदा रखता है। इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग, लेकिन कल्चरल एवोल्यूशन इज ऑपरेटिंग। कल्चरल एवोल्यूशन मतलब हमारा जो सोसाइटी है उसमें जो कल्चर है ये आगे बढ़ रहा है। आज से 1000 साल पहले जो कल्चर था है वो कल्चर नहीं है। इसलिए 1000 साल पहले जो एटमोसफेयर एनवायरमेंट में एक बच्चा एक्सपोज होता था, आज का एनवायरमेंट एंटायरली डिफरेंट है। इसके चलते हमारा एबिलिटी भी बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, हमारा सब कुछ, मतलब वी एज ह्यूमंस आर मोर एडवांस देन द ह्यूमंस 1000 ईयर्स बैक। व्हाई? फिजिकली नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कल्चरली हम डिफरेंट हैं। इसलिए नाउ इट इज बायो कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू साइंस और डार्विन कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बट द्वापर युग या त्रेता युग में जो मनुष्य दिखाया जाता है वो कहां से आया? वेद, गंजीर, यूट्यूब। द्वापर त्रेता ये एग्जैक्टली कब का ये मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि मॉडर्न मैन करीब 40,000 साल पहले आया। तब ये सिर्फ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी था, मतलब वो हंट करते थे, शिकार करते थे। देयर इज अ साउंड ब्रेक। नहीं, ये तो म्यूट। साउंड ब्रेक दादा, दादा साउंड ब्रेक। नो नो, द साउंड इज फाइन। आई थिंक यू हैव प्रॉब्लम। My system is at least I can see it's okay. Now, कौन सा क्वेश्चन बात कर रहा था? द्वापर त्रेता युग। या 40,000 years पहले आदमी आया, तब ये था एकदम hunting gathering society, primitive society। इसलिए द्वापर त्रेता का कोई क्वेश्चन नहीं। पहली बार एग्रीकल्चर आना शुरू हुआ करीब 10,000 साल पहले। ओके, और हम तब से थोड़ा सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चेंज देख रहे हैं, शहर का सोसाइटी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह को देख रहे हैं। और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये करीब 3500 बीसी से करीब 1800 बीसी तक, हाँ, और उसके बाद अराउंड 1500 बीसी से वैदिक युग शुरू होता है। तब द्वापर युग त्रेता युग कब आप रखेंगे मालूम नहीं है, लेकिन लेकिन हमारा जो रिलेटिवली एडवांस्ड ह्यूमन सोसाइटी, इसका टाइमिंग इस टाइप का है, करीब 1000 बीसी। उसके पहले हमारा जो जो सोसाइटी था रिलेटिवली प्रिमिटिव। Okay. Now the next question is, do we have any evidence of supernatural element that is responsible for origin of human beings? No. जैसे मैंने बताया कि whole process जो है, that is now known. अभी इसको पता है हमको, क्योंकि सबूत मिला है, एक-एक stage का fossil मिला है। इसके चलते हम जानते हैं कि कैसे ये डेवलपमेंट हुआ है और पूरा नेचुरल रूप से उसके एक्सप्लेन है। कब सुपरनेचुरल का जरूरत होगा? जब अगर नेचुरल रूप में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तब ना। अगर नेचुरल रूप से जो डार्विनियन एवोल्यूशन का थ्योरी है उसके चलते
पूरा आदमी कैसे आया ये पूरा क्वेश्चन अगर आंसर्ड हो गया तब तो जरूरत नहीं है कोई कोई सुपर नेचुरल का ना, इसलिए साइंटिस्ट लोग कोई सुपर नेचुरल एंटिटी इसमें उसको हस्तक्षेप किया है ये मानते नहीं। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रद्धानंद त्यागी, आर वी गेटिंग जेनेटिकली वीक ड्यू टू नो नेचुरल सिलेक्शन? ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन के चलते एक मतलब आदमी को छोड़िए दूसरा कोई जानवर में, जानवर के स्पीशीज में नेचुरल सिलेक्शन चलते जो अनफिट टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट वो एलिमिनेट हो जाता है, और बाई म्यूटेशन नया नया कैरेक्टरिस्टिक वो स्पीशीज में आ जाता है। ये सही बात कि आदमी का स्पीशीज में अनफिट जो है वो लोग एलिमिनेट हो नहीं जाते। जैसे मानिए कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज, हाँ, लेकिन ये हीमोफीलिया लेके जो है वो लोग जिंदा है, हाँ, जिंदा है क्योंकि हमारा ये सोशल सिस्टम ऐसा है कि उनको जिंदा हम रख सकते हैं, रखते हैं। लेकिन इसके चलते मैं नहीं कहूंगा कि हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो गया है, बिकॉज वी आर ऑल्सो डिस्कवरिंग डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीजेस, वी आर अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेदा। यस यस, हाँ, जूम पे कुछ साथी हाथ उठाए हैं, yes, तो हम एक एक करके दो चार ऐसे प्रश्न ले लेते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिस्टर पंकज शर्मा, आप आपका वीडियो स्विच ऑन करिए और आप अपनी प्रश्न रखिए। हाँ, एक बात है, प्रश्न जो भी हो आज की जो टॉपिक है उसकी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। धन्यवाद सर, और सबसे पहले सबको सामूहिक नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर कि क्या हजारों लाखों साल बाद भी क्या ह्यूमन बीइंग का कोई बायोलॉजिकल चेंज होगा? अगर जो आज का मॉडर्न साइंस है, हम मान लें कि कुछ साल बाद, कुछ हजार साल बाद ये डैमेज हो जाए और फिर वापस से हम हजार साल पहले जैसा ह्यूमन बीइंग हो, तो क्या इसके हजारों साल बाद बायोलॉजिकल चेंज होगा? अगर होगा तो किस तरह का होगा? थैंक यू। एवोल्यूशन ऐसा चीज है जिसमें हम पीछे क्या हुआ था इसको पीस टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कभी नहीं कह सकते। एवोल्यूशन के कोई जो जितना सारे एवोल्यूशन हुआ है उसमें आगे क्या होगा ये कहने क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंट्रूशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स थ्रू जेनेटिक म्यूटेशन, और म्यूटेशन इज रैंडम, और इसके चलते हम किस टाइप के ये एवोल्यूशन होगा हम कह नहीं सकते। लेकिन एवोल्यूशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस मतलब ये 1000 साल में कुछ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। एक एवोल्यूशन में लाखों साल लगता है, हाँ, एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज होने में लाखों साल, करोड़ों साल लगता है। इसलिए हो सकता है कि हम अगर करोड़ों साल आदमी जिए तो इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जिंदगी भी नहीं होगा, मेरा जिंदगी भी नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चिंता भी करता नहीं हूं क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मधुलिका राय, शी आस्क्ड वन क्वेश्चन, बट प्लीज कीप द क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक टुडे। Hello. Thank you for the great talk, Professor Banerjee. So, मेरा question ये है कि हम Neanderthal और Homo sapiens के बारे में, sapiens के बारे में बात कर रहे थे, तो exactly like हमने ये भी बात की कि कैसे कैसे different body parts evolve हुए and they helped. So, मेरा question है कि power of thinking also has a great role evolution में, right? वो exactly कब आया, कब शुरू हुआ? एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा बेस्ड ऑन रेसिज्म, सो आज के टाइम में भी देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये टोटली सोसाइटी बेस्ड है क्योंकि सोसाइटी में ऐसी चीजें सुन रहे हैं हम, या इवोल्यूशनरी ऐसा कुछ प्रेफरेंस हुआ, या हमारे दिमाग में ऐसा क्यों है,
हमेशा से कि कोई कलर प्रिफर्ड है कोई कलर नहीं है. सो हैज इवोल्यूशन में इसका क्या रोल है? पहली बात सोचना, थिंकिंग, ये तब से आया जब से होमो आया. होमो मतलब हम शुरू किए थे होमो हैबिलिस से, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस, होमो सेपियंस डेनिसोवन, होमो सेपियंस सेपियंस, इतने सारे बात किया होमो. ये होमो का कैरेक्टर में एक कैरेक्टर यह है कि दे कैन थिंक, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन स्पीक. लेकिन जब होमो सेपियंस आया, होमो सेपियंस आया, होमो इरेक्टस ये सब छोड़ के होमो सेपियंस जब आया, सेपियंस वर्ड का मतलब है थिंकिंग. मतलब कब से, इसका आंसर है कि जब होमो सेपियंस आया. इसीलिए होमो सेपियंस नियंडरथलेंसिस, होमो सेपियंस डेनिसोवन, होमो सेपियंस, ये सभी लोग सोच सकते थे. और सोचने के लिए एकदम ठोस जरूरी है भाषा. वी थिंक यूजिंग लैंग्वेज, वी कैन नॉट थिंक विदाउट लैंग्वेज. इसीलिए जब से भाषा आया और जब से हमारा ये जो जबड़े का जो साइज छोटा हो गया, जब से बहुत सारे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने का एबिलिटी आया, तब से यू कैन से दैट दीज आर ऑल रिलेटेड इवेंट्स. खड़े होके चलना, खोपड़ी का साइज बड़ा होना, जबड़े का साइज छोटा होना, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन कर पाना, ये सब दीज आर ऑल रिलेटेड इवेंट्स. और ये रिलेटेड इवेंट्स के चलते एक टाइम में ऐसा आया, एक नया फिनोमेनन शुरू हुआ जीव जगत में जो नहीं था. दैट न्यू फिनोमेनन इज थिंकिंग. एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हेन आई सेड दैट होमो सेपियंस. ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू रेसिज्म, आई टच्ड अपॉन दैट इशू. द पॉइंट इज दैट ऑल द रेसेस दैट वी सी टुडे, दे हैव द सेम ओरिजिन. सब रेस जो है उसका एक ही ओरिजिन है, होमो सेपियंस सेपियंस, जो अफ्रीका में जन्म लिया था, जिसमें सफेद होने का, पीले होने का, काले होने का, ब्राउन होने का सभी कैरेक्टरिस्टिक था. वो डिफरेंट जगह में फैल गया और उसके चलते डिफरेंट जगह में लोगों का देखने वाले चरित्र डिफरेंट हो गया. लेकिन इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके बाद. बाकी एवरीथिंग इज सोशल कंस्ट्रक्ट. Everything is social construct because we at some point of time were ruled by the white people. So our preference is towards the white people. We are brown, we are not white, but we imagine ourselves as white, as the good people, right? So even our God's imagination are white. So isliye matlab this is a social construct. And this will go away when we can overcome the differences in the society. When we can overcome the differences in the society, this difference will go away. We are all single species. Next question, please. हाँ, तो next question के लिए Ms. Anjali Kumar ने हाथ उठाए प्रश्न के लिए. तो आप काइंडली आपका वीडियो स्विच ऑन करें और आपका प्रश्न रखिए. प्रश्न आज की जो सब्जेक्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर. एक्चुअली माय क्वेश्चन इज अबाउट द चार्ल्स डार्विन थ्योरी. आर यू एग्री विद द चार्ल्स डार्विन द थ्योरी इज राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स हैव अ क्रिटिकल statements about the Charles Darwin, because it's have a kind of perspective everyone. So what is your opinion about the Charles Darwin? It is true about the human evolution? Charles Darwin's theory is scientifically accepted today. Okay. Only thing is that Darwin ke time mein hamara genetics ka idea nahi tha. ये आया 20th सेंचुरी में. और जब ये जेनेटिक्स का आइडिया आया तब उसके हिसाब से डार्विन का थ्योरी जो है उसको और भी एनरिच किया गया, जिसको नियो डार्विनिज्म कहा जाता है. और उसके चलते जो थ्योरी अभी आया दैट इज द एक्सेप्टेड थ्योरी.
which means we accept Darwin, the basic structure of the evolutionary theory as propounded by Darwin is correct. सिर्फ यही है कि बहुत सारे डिटेल का पता नहीं था, जैसे कि कैसे एक स्पीशीज में वेरिएशन जन्म लेता है ये पता नहीं था, ये अभी पता चल गया, पता चल के ये डार्विन के थियोरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन ये दर से एक्सेप्टेड थी, करेक्ट थी। हेलो मनवेंद्र जी, जी नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन टेक फ्रॉम अनुपम वार्स ने अनुपम। ओके अनुपम वार्स ने आप अपना वीडियो ऑन करिए और ऑडियो को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ और क्वेश्चन आज की टॉपिक के साथ अलाइंड होनी चाहिए। हाँ जी नमस्कार सर, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन और स्पेशली ये था कि ये हिंदी में था, पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर एवोल्यूशन का हिंदी में सुना है एंड दैट टू फ्रॉम अ बंगाली पर्सन। नहीं बट आई रियली एंजॉयड और बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया है। और बस मेरा क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने वी हैव बीन एबल टू स्टडी ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम सर्टेन एविडेंसेस राइट विच वी हैव बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम द पास्ट राइट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। लेकिन अभी मैं मतलब ऐसे एंटिसिपेट करती हूँ कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, जैसे कि अब ग्रेजुअली लोग हाथ से लिखना कम कर रहे हैं, नहीं क्योंकि दे आर यूजिंग ऑल द टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, तो आर वी गोइंग टू लीव एनी यूनिक रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू रिट्रीव आवर बिहेवियर इन द फ्यूचर। ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है कि ऐसा अगर हम कुछ लिख के नहीं छोड़ के जाएंगे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो हमारा जो अभी का है प्रेजेंट वो कैसे स्टडी करेंगे। वी शुड नॉट बी टू मच डिपेंडेंट ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। मुझे ये रहता है कि देयर विल बी नो यूनिक एविडेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू रिट्रेस आवर प्रेजेंट। ये है कि हमारे जो लिखने का जो हम लिखना शुरू किए थे करीब 1000 BC से, मतलब 3000 साल पहले से। हाँ जी। और आप सोचते हैं आजकल हम ज्यादा कम लिखते हैं, इसलिए 3000 साल पहले बाद में हम लिखना प्रैक्टिकली बंद कर। लेकिन ये जो जो आदमी का जो टोटल स्पैन ह्यूमन एग्जिस्टेंस उसमें एक छोटा सा टाइम, उसके पहले भी डेवलपमेंट ऑफ थॉट हुआ था और उसके बाद में डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले पीढ़ी का जो चिंतन है वो अगले पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो। हाँ जी, ये जरूरी मेरा कंसर्न है। और इसके लिए लिखना माध्यम था, लेकिन अगले दिनों में अगर लिखना माध्यम हिसाब से चला गया, मतलब आज के इसके पहले लोग चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी जमा करके रखते थे, और इतने बड़े लोग जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है, आइंस्टीन है, उनका जो चिट्ठी छप जाता था क्योंकि उनका चिट्ठी में भी बहुत, आजकल क्या चिट्ठी हम लिखते, ईमेल। हाँ जी। और लेकिन इसके चलते पहले जो चिट्ठी में लिखते थे वही आजकल हम ईमेल से भेजते हैं, मतलब उसको भी रिकॉर्ड रह रहे हैं। हाँ जी। इसके मतलब अगर टेक्नोलॉजी चेंज भी हुआ, जो मेन चीज है कि हमारा जो चिंतन ये अगले पीढ़ी तक पहुंच रहा कि नहीं, ये पहुंच रहा है। हाँ, शायद इसका चेंज हो जाएगा। आई डू नॉट सपोर्ट कंप्लीटली स्टॉपिंग टू राइट, आई ऑलवेज राइट थिंग्स। लेकिन ये सही बात कि लोग आजकल ऐसे करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेफरेंस चेंज हो गया है। इसके चलते हो सकता है कि ज्यादा दिन तक लोग ज्यादा लिखेंगे नहीं, कम हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आइडिया कम्युनिकेट होता है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली मैटर्स। यूनिकनेस रहना चाहिए।
मतलब एक यूनिक पहले कहते हैं कि अपने हैंडराइटिंग से यू कैन डिसाइफर अबाउट द पर्सन हु हैज रिटन दैट डॉक्यूमेंट दैट इज गोइंग तो वो यूनिकनेस एक रहता है क्योंकि सबका हैंडराइटिंग अलग होता है हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न के लिए जाएंगे थैंक यू सर थैंक यू सो मच सो दो हैंड्स अप हुए हैं रेज में हैं एक है अरिवा जैदी सो आप थोड़ा Hi, hello, sir. Now I have three questions. I had just one earlier. One is that I have gone through a few biological texts. Generally, so if you talk about evolution, the way you said that it's generally driven by randomness, chance, mutation, all these elements. But then when you talk about biological texts, generally the way they have been written, they have given a teleological explanations as if there's an intentionality involved from the side of the species itself. For instance, something was in the beneficial for giraffe because of which the neck grew longer. So why do we have those kind of teleological kinds of explanation in the books? Question number one. Wait a minute. Let me quickly answer this. देखिए आज ये biological evolution के बारे में detail discuss करने का time नहीं है. But I will request you to read Richard Dawkins' book, The Blind Watchmaker. There he actually vanquishes this line of argument, shows that it is a blind process of evolution. Yes, exactly. Guided by absolute natural forces. There's no teleological explanation. Okay, next question please. Why don't we see this just out of curiosity? Why don't we see a lot of intermediary species? So for instance, we do have platypus. But then still it looks as if just there is some gap. And I know evolution happens to be the best kind of explanation. Related to the human evolution. So I'll try to avoid this question. But I'll only say that kiska fossil jyada milta hai? Okay, so what you're suggesting fossil, is... Jyada fossil milta hai mainly marine animals. Ko. Kyunki? वो मर जाने के बाद उनका बॉडी नीचे गिर जाता है उसके ऊपर सेडिमेंट आ जाता है सेडिमेंट में उसको बॉडी रह जाता है लेकिन जो लैंड एनिमल उसमें कम मिलता है और उसमें भी प्राइमेट का फॉसिल और भी कम मिलता है प्राइमेट का फॉसिल बहुत कम मिलता है इसीलिए जितने सारे ह्यूमन इवोल्यूशन में जितने इंटरमीडिएट स्पीशीज आए उसका भी फॉसिल बहुत कम मिलता है क्योंकि वो मतलब उसका जो जो बॉडी पार्ट्स है दे एक्चुअली गेट डिसॉल्व्ड इन द एटमॉस्फेयर रेयरली वी गेट समथिंग इन केव्स अगर केव में रह गए कोई मर गए केव में तभी मिलता है नहीं तो इवन आवर हड्डी दैट आल्सो गेट डिसॉल्व्ड इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर 1000 इयर्स बिकॉज इट्स कैल्शियम एनी एसिडिक मटेरियल विल ईट इनटू इट राइट So, okay, nice. So what you're suggesting is that there would have been species, there could have been, but then perhaps we have not been able to find the fossils of those species. Okay, all right, sir. So the next question is wait a minute. I think maybe we go to the next question coming from another participant, no? Is it a very important question in this context? If no, we move to another attendee. It's okay, you can go to other attendees. We have to finish it by 6:30 or so let's continue. Yes. Okay, yeah. Thank you, okay. sir. So we'll go to Ms. Susmita Paul. Can you please switch on your video and pose your question? Prashna rakhiye. But prashna again, aaj ki jo topic hai, uske saath mila jula hona chahiye. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस में सोचने की शक्ति होती है वो भी ब्रेन के कारण होती है तो मैं जानना चाहूंगी कि ब्रेन का विकास कब प्रारंभ हुआ और कब तक में एक डेवलप ब्रेन बन चुका मतलब अभी जो हमारे पास ब्रेन है उतना तक डेवलप कब तक हो गया और कब से प्रारंभ हुआ ब्रेन में डेवलपमेंट मैं जो पूरा फेज के बारे में बताया जो शुरू होता था एकदम पिथेकंथ्रोपस से तब से ही ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हुआ क्योंकि तब से वो थोड़ा सा इरेक्ट गेट चलने का शुरू हुआ तब से ही ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गया और आज हमारा खोपड़ी का जो साइज है वो साइज करीब करीब जब होमो सेपियंस आ गया होमो सेपियंस मतलब होमो सेपियंस के जितने सारे स्पीशीज के बारे में बात किया सभी सभी का बात कर रहा हूँ
तब ये साइज आ गया था। होमोसेपियंस नियंडरटलियंस के ब्रेन साइज हमारे साइज का था, होमोसेपियंस डेनिसोवन का साइज हमारे साइज का था, इसलिए इसमें एक्चुअली डिफरेंस नहीं था, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट तब तक हो गया था। अगला क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। Professor Banerjee, so how many questions we can take? I think it is almost 6:30. We should close by 6:30, no? So okay. We cannot take many questions now. Maybe two more questions. Okay. We'll close. Yes, Dineda, is there some questions coming from YouTube? No, you can go ahead with okay. Someone from Zoom. Okay, so Jeevanlal Sahu, Mr. Jeevanlal Sahu, aap apna माइक अनम्यूट करिए। हाँ, प्रश्न आज का जो टॉपिक है उसके साथ अलाइंड होनी चाहिए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि हम जो आज भी सारे स्पीशीज जो देख रहे हैं ये बोला जाता है कि ये इसका जो ओरिजिन है वो समुद्र से आया है, और समुद्र में जो है एक कोशिकीय जीव बना, फिर एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जो सेल बना, तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो जो एक कोश के जीव जो आया था वो कहां से आया था? देखिए ये ह्यूमन एवोल्यूशन के हिस्सा नहीं है ये क्वेश्चन, ये नॉर्मल टोटल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का हिस्सा है। एक दिन और इसके बारे में डिस्कस किया जाए, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। ह्यूमन एवोल्यूशन में आज सीमित रखें। लेकिन जो आप बोल रहे कि ये सही है कि नहीं, सब सही है। ये एक कोश से दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, ये सही बात। पहला पानी में आया, फिर लैंड में आया, ये भी सही बात। ये सब का सबूत है। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो इंसानों में जो ब्रेन का डेवलप हुआ तो ये बाकी जानवरों में क्यों नहीं हो पाया? ये सोचने की क्षमता जो आई थी ये बाकी जानवरों में क्यों नहीं आ पाई? एक विशेष कंडीशन, आपका एक विशेष कंडीशन में एक विशेष स्पीशीज पेड़ से नीचे आने में मजबूर हो गया। हो सकता है उस वक्त और भी बहुत सारे स्पीशीज पेड़ से नीचे आने में मजबूर हुआ था, लेकिन बाकी सब एडप्ट कर नहीं पाया, सर्वाइव कर नहीं पाया, एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन जो स्पीशीज नीचे आया था, एक प्राइमेट स्पीशीज जो थोड़ा सा इरेक्ट होकर चलने का कोशिश करना शुरू कर दिया था, उसी से ये डेवलपमेंट हुआ। बाकी लोग कर नहीं पाए क्योंकि उनका जो मेरुदंड है ये इस टाइप का था, और इसमें कोई हेवी हेड रह नहीं सकता। इसीलिए आप जितना भी कोशिश करो कुत्ते को ज्यादा इंक्लिजन कर नहीं पाओगे। इंक्लिजन करने के लिए हेवी हेड का जरूरी है, और जिसका हॉरिजॉन्टल है स्पाइनल कॉर्ड वो उसमें हो नहीं सकता। बाकी सारे जानवर में हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ आदमी में ये वर्टिकल है। इसीलिए वर्टिकल हेड के ऊपर ये वर्टिकल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये हेड सपोर्टेड हो सकता है। इसीलिए सिर्फ आदमी में ही ये चिंतन का क्षमता है। अगला प्रश्न। हाँ, या शुड वी स्लोली गो टू द एंड नाउ? यस आई थिंक एट दिस मोमेंट वी आर नॉट विल नॉट कंसीडर एनी मोर क्वेश्चंस। मेबी Professor Banerjee, if you have certain point to say, maybe you... Yeah, I'll just end by saying that ये जो human evolution किस तरह से हुआ है और evolution किस तरह से होता है, ये समझना बहुत important है। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि everything is in motion, everything is changing। उसका एक हिस्सा है जो जीव जगत है उसमें चेंज हो, और इसके बारे में हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग आया एवोल्यूशन के बारे में जब हम जाने तब से, कि एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू चेंजेस। और ये चेंज का रूप क्या है, इसका कारण क्या है, इसमें कौन सा फोर्सेस काम करता है, एनवायरमेंट का इंपैक्ट क्या है, जेनेटिक्स का इंपैक्ट क्या है, ये सब समझना जरूरी है। क्योंकि हमारा बहुत सारा जो गलत फहमियाँ हमारे अंदर है, जैसे कि रेसिज्म के लेकर गलत फहमियाँ है, ये सब दूर हो जाएगा जब हम इसको ठीक ढंग से समझें। इसीलिए ह्यूमन एवोल्यूशन
ठीक से समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखेंगे कि जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों का शक्ल, उनका भाषा, उनका थोड़ा सा अलग सा दिखता है। हम सोचते हैं कि वो एक टाइप का है, हम एक टाइप का है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम एक ही स्पीशीज है। एक टाइम में अफ्रीका से एक एक्सोडस हुआ था, जो लोग समुंदर का किनार वाले जो जो जमीन का हिस्सा, वहीं से चल के इंडिया में आए, इंडिया से जाके इंडोनेशिया में गया, इंडोनेशिया से जाके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, एक्सोडस ऐसा गया था। और उसके चलते जो लोग थे, जो लोग रह गए थे, बाकी डिफरेंट जगह में गए, वो लोग फिर आए, मिक्सचर हो गए। मतलब आज का जो ह्यूमन वर्ल्ड है, इट इज कम्प्लीटली अ मिक्सचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। दैट्स इम्पोर्टेंट। हमारा शक्ल देखने में जितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, हमारा स्किन का कलर जितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, वी आर ऑल द सेम, वी आर बेसिकली ब्रदर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन वी हैव इवॉल्वड। And most important thing is that we can think because we have a language. Our ability of thinking, how much can we think, is related to the language. इसीलिए language सीखना इतना जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा चिंतन करने का क्षमता होता है। और ये भी सही बात कि चिंता करने के लिए हमारा चिंतन जो है, that develops depending on how we interact with our environment, social environment. और ये social environment के साथ हम अगर constant एक क्या कहते हैं creative interaction में हों, then our intelligence goes up. अगर हम ये creative intelligence में interaction में ना हो, that intelligence cannot develop. But every child is born with the same possibility. Humans, all humans are born with the same possibility. एक ही संभावना लेके सब लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सबका संभावना खोल नहीं पाता, सबका संभावना एक्सप्रेस कर नहीं पाता, क्योंकि सब लोग एक ही साथ सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट एनकाउंटर नहीं करते हैं, और सोशल एनवायरनमेंट के साथ इनके इंट्रोडक्शन भी एक टाइप का नहीं होता है। इसीलिए सबको अगर इंटेलिजेंट बनाना है, सबको एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एटमॉस्फेयर देना है, अगले पीढ़ी को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एटमॉस्फेयर देना है, तब लोग इंटेलिजेंट बने। मतलब ये जो जो इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज है, इससे ये भी हमको पता चलता है। इसीलिए हम अगर इसको ठीक से समझेंगे, हम ये भी समझेंगे हमको आगे बढ़ना किस तरह से। हम इसी बोल के इसको करते हैं। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी दिल्ली चैप्टर, आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर सुमित्र बनर्जी फॉर हिज इनवैल्युएबल स्पीच एंड फॉर स्पेयरिंग हिज प्रीशियस टाइम विद अस। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द जूम व्यूअर्स एंड यूट्यूब व्यूअर्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार पेशेंसली and asking important questions. I hope you have liked it. In future, we will inform you about our programs. I also thank the organizing team of this webinar, and also I would like to thank especially Dr. Manvendra for all technical support for this program. So at last, here we will end this webinar, and we will meet in next webinar soon. Thank you. Thank you. All the participants. Thank you, Professor.